मैं आ चुका हूँ अभी कापासेड़ा बॉर्डर कंपनी के बाहर। पैदल पैदल चल रहा हूँ, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर है। और अभी गाइस टाइम 12:15 बज गए हैं। और मैं आपको बता दूं गाइस, आज मैं जा रहा हूँ ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी कंपनी के अंदर, जहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, न्यू ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, सारा काम यही होता है। और गाइस ब्लू स्मार्ट में क्या है ना कि आईडी बंद कर देते हैं अगर आप 2-3 हफ्ते ड्यूटी नहीं आते हो तो। तो गाइस आज जो डेट है 20 फरवरी दिन मंगल का है, और 2024 एक हफ्ते बाद ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ। उससे पहले जो 2-3 वीडियो मैंने डाली हैं तो वो गाइस बहुत पुरानी है, और पुरानी जो मेरा चैनल डिलीट हो गया था उसकी वीडियो है जो मैं अपलोड करता रहता हूँ। थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। दो कंपनियां हैं जहाँ पर ज्वाइनिंग होती है और जहाँ पर आईडिया वगैरह या कुछ भी आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं आईडी के रिकॉर्डिंग, तो गाइस वहां पर आपको सारी हेल्प आउट किया जाता है। आपको ट्रांसफर लेना हो तो यहाँ आपको आना पड़ता है। तो दोस्तों कापासेड़ा बॉर्डर के पास जब आप आएंगे तो मैं भी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। और दोस्तों इसको बोला जाता है रीट्रेनिंग, तो रीट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं। यहाँ पर ज्यादा काम नहीं होता है, लगने को 10 मिनट भी लग सकते हैं और लगने के लिए 1-2 घंटे भी लग सकते हैं गाइस। तो जो भाई न्यू जॉब के लिए आना चाहते हैं तो वो यहाँ कापासेड़ा पे आकर इंटरव्यू दे सकते हैं। कहीं से भी आप आइए, अगर गुड़गांव के हैं तो गुड़गांव में आप गुड़गांव वाले ऑफिस में जाइएगा, और अगर आप दिल्ली, गाजियाबाद या कहीं से भी दिल्ली नोएडा से आ रहे हैं या गाजियाबाद से आ रहे हैं तो आपको कापासेड़ा बॉर्डर आना है। यहाँ से आपको आकर यहाँ पर इंटरव्यू देना है। 2 दिन का, 1 दिन का इंटरव्यू है, 1 दिन ट्रेनिंग है, 2 दिन आपको लगता है, 3rd दिन आप ड्यूटी ज्वाइनिंग कर लेते हो। 9:15 बजे घर से निकला था, फिर 2 किलोमीटर पैदल चला क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और बारिश का मौसम था, तब बहुत अच्छे थे, मैं सुबह चला। तो दोस्तों चलिए थोड़ी देर में मिलता हूँ आपको कंपनी पहुँचने के बाद। अभी 5 मिनट या 10 मिनट का डिस्टेंस और बचा है, करता हूँ थोड़ी देर में आपको अपडेट। गाइस मेरी जो है ना आईडी काफी दिन से बंद हो गई थी, तो मैं लॉगिन नहीं था। आप जैसा आप देख रहे हो, मैंने बाइक राइडिंग की मैंने जॉब की थी, आपको दिखाया था बाइक राइडिंग करके, तो उसकी वजह से मेरी आईडी बंद हो गई थी। और पाया दोस्तों यहाँ पे वो 4-5 लड़के खड़े हैं ना, यहाँ पे वैन सी आ रही है, इसके पास जो खड़े हैं वही कंपनी है। और आई थिंक ये कंपनी शायद आज बंद है, लग रहा है भीड़ कम है। कंपनी के अंदर एंट्री करने के बाद क्या सिस्टम है क्या नहीं है देखते हैं, जानते हैं। ट्रेनिंग के लिए क्या नाम है? आईडी अच्छा, जाते समय भी बता के जाना ठीक। 5 बजे तक नंबर आया, कम से कम 100 ही लोग हैं। घंटों में नंबर आ गए हैं तो भाई साहब बहुत लंबी लाइन लगी पड़ी, कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो गाइस मैं बहुत देर से बैठा हूँ अभी यहाँ पे, अंदर ट्रेनिंग चल रही है और मेरा जो नंबर आया है वो आया है 8 नंबर। 8 नंबर मेरा रिट्रेनिंग है और मुझे तकरीबन बैठे बैठे भी 1 घंटा हो गया है और 1 बज रहा है अभी। तो दोस्तों देखते हैं अभी कब तक नंबर आएगा। 7 नंबर चल चुका है, इसके बाद तो अभी 2 नंबर चल रहे हैं, एक न्यू ज्वाइनिंग वाले और एक रिटर्निंग वाले, दोनों साथ चल रहे हैं। 5 वो बुलाते हैं फिर 1 ये बुलाते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं, अभी यहाँ काफ़ी सारी भीड़ है और यहाँ अंदर रिटर्निंग चल रही है। तो गाइस देखिए बहुत सारे बंदे हैं यहाँ, काफ़ी सारे बंदे हैं बैठे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ी देर में करते हैं आपको अपडेट। आईडी मेरी खुल गई है, कल से चालू कर दिया है मेरा, और देखते हैं अभी क्या। यहाँ पे भी चेक इन करवाया था, यहाँ पे एंट्री करवाया था, यहाँ पे एंट्री आउट करवाया था। साइन कर लीजिए, एंट्री की थी ना। हाँ तो हो गया मेरा काम, जा रहे हो? हाँ रिट्रेनिंग, रिट्रेनिंग हाँ ठीक है। तो चलिए गाइस
मैं अभी निकल चुका हूँ कंपनी से और अभी टाइम बता देता हूँ, टाइम कितना हो गया है, टाइम बज गए हैं 1:30। मेरी आईडी अभी ऑन हो चुकी है, बोल रहा है कल से आप काम कर लेना तो 4-5 दिन का मुझे काम मिलेगा। तो सुबह देखते हैं, बोला शाम को आपका स्लॉट आ जाएगा, कल से आप ड्यूटी ज्वाइन कर लेना दोस्तों। तो देखते हैं कल आज शाम को स्लॉट आता है, आपको स्क्रीन शॉट में दिखाऊंगा स्लॉट कैसे आता है, फिर फ्राइडे से मैं मैनुअल खुद भर सकता हूँ। तो अभी जो मेरा हब था वही मैंने लिया है, यहाँ बहुत वेट करना पड़ता है। लेकिन अगर ये आईडी बंद कर देते हैं तो इनको ऐसा सिस्टम करना चाहिए कि फेस से ही वेरीफाई हो जाए। अभी इतना दूर दूर बुलाते हैं, 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर, और गाइस इन्हें कैसा सिस्टम करना चाहिए जो कि इतने दूर से लोग ना आया करें, 40-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है यहाँ पर रिट्रेनिंग के लिए। और रिट्रेनिंग पूछनी है, सिर्फ आईडी पूछते, फेस देखते हैं, छोड़ देते हैं। अगर ऐसा सिस्टम है तो उबे की तरह फेस वेरिफिकेशन कर दिया करें, क्योंकि गाइस ये आईडी चेक इन करने का इतना दूर हर बंदा नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है इतना दूर आना, भाई बैंड बज जाती है बस से आने में। तो चलो दोस्तों, अभी बहुत टाइम हो गया है, अभी मुझे खुद 1.5-2 घंटा जाने में लगेगा। तो गाइस अगर वीडियो में अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही देगा भाई, लाइक तो बनता है यार, इतना पैदल चल रहा हूँ, 1 किलोमीटर फिर पैदल चल रहा हूँ। दोस्तों बीच में वीडियो बनाता नहीं रास्ते में, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइस आता है और आप लोगों को भी कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है और मेरा भी मेहनत होती है और आपको भी कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर दिया है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं या फिर आप लोग नोएडा गाजियाबाद से आ रहे हैं तो आप इसी रूट से आएंगे जिस रूट से मैं आ रहा हूँ, लेफ्ट हैंड से। और लेफ्ट हैंड पर ये पड़ेगा डिज्नी है या फन फोन है, क्या फन फूड है या डिज्नी है, ये फन फूड विलेज, ये फन फूड विलेज आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। और भाई वहाँ से है ना, आप लोग अगर आएंगे, जैसे ये बस जा रही है इसी बस में आपको आना है, ये आनंद विहार से बस चलती है 5-4-3A एसी बस है, और आपको इसी लेफ्ट हैंड से आकर और यहाँ पर ये है फन फूड विलेज, और इसी के जस्ट जब आप आएंगे तो ऐसा आपको राइट हैंड में पड़ेगा ये, और आपको यहाँ से आने के बाद सीधा राइट मोड़ना है फर्स्ट गली में, और फर्स्ट गली में मुड़ने के बाद सीधे आपको चलना होगा 1 किलोमीटर और अपना आ जाएगा ब्लू स्मार्ट कंपनी आ जाएगी अपने, वहां पर जाकर आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो गाइस देखिए ये फन फूड विलेज है, और ठीक है बस स्टॉप यहाँ पर है जहाँ पर ये ऑरेंज वाली बस खड़ी है। तो गाइस आई होप मैंने आपको बहुत सारी चीज दिखाने की कोशिश की है और एड्रेस प्रॉपर थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है। मैं जानता हूँ मैंने आपको थोड़ा सही से नहीं समझाया, पर समझाने की मैंने कोशिश की है। तो चलो दोस्तों अभी हम चलते हैं यहाँ से, तो चलो दोस्तों मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। गाइस बहुत गर्मी हो रही है, मैं बस में बैठ सकूँ अभी, तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं बस में बैठ सकूँ अभी, एसी ऑन है, मैंने एसी वाला पार्ट बनवाया था सुबह क्योंकि 50 रुपये में बना था, एसी वाला बनवा देता हूँ, आप एसी ऑन एसी बना सकते हैं, पास है पास, हाँ तो गाइस पास बनवाया था, मेरे पास पास है तो टिकट लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपको खुल जाता हूँ। तो गाइस पहुँच चुका हूँ अभी बटला हाउस, आज 2 ब्लॉग बनाए हैं, एक ब्लॉग ब्लू स्मार्ट का बनाया है और दूसरा ब्लॉग बनाया है फायर बोल्ट सर्विस का। तो दोस्तों टाइम बज गए हैं अभी 5 और मैं घर पहुंच गया हूं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यही करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।